उत्तराखंड में दर्दनाक सड़क हादसों का तांडव जारी है। अभी फिर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले से सामने आ रही है, जहां नगुन सुवा खोली मोटर मार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा जाने से दो लोगों की मौत हो गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार देहरादून से उत्तरकाशी की ओर जा रहा एक स्कॉर्पियो वाहन जैसे ही टिहरी गढ़वाल जिले के कंडीसैंड तहसील क्षेत्र में स्थित नगुन सुवा खोली मोटर मार्ग पर गैर गांव के पास पहुंची तो एकाएक अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा समाई, जिससे वाहन में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तरकाशी जिले के भटवाणी तहसील क्षेत्र के बसुंगा गांव निवासी अंकित रावत एवं उत्तरकाशी के ही डूंडा तहसील क्षेत्र के मांगली सेरा गांव निवासी अखिल बिष्ट के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भयावह था कि दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो के परखच्चे ही उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।